आप देखिए हर तरफ कोरोना छाया हुआ है, बड़ा मुश्किल वक्त है ये। देश दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं मध्य प्रदेश कोरोना के साथ राजनीति से जूझ रहा है। हर कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पूर्व कांग्रेस और अब भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर आलोचना की गई। कमलनाथ के समर्थक दिनेश गुर्जर ने सिंधिया को कांग्रेस में वापस लाने की बात कही। ये सब कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सिंधिया की वापसी की बात से ही कांग्रेस ही भड़क गए और कमलनाथ को कहना पड़ा कि सोनिया गांधी ही नहीं चाहती हैं कि सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो। वैसे सच्चाई ये है कि कमलनाथ भी नहीं चाहते हैं कि सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो, क्योंकि अगर सिंधिया की कांग्रेस में वापसी होती है तो इसी शर्त पे होगी कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश से अपना तंबू समेटना पड़ेगा। ऐसा करके कमलनाथ ने सिंधिया को नीचा दिखाने के साथ तमाम तरह की अफवाहों को भी विराम लगा दिया। कमलनाथ ऐसी रणनीति बनाने में लगे हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलें और वो सत्ता में वापसी कर सके। कमलनाथ के इस अभियान में कांग्रेसियों के मुताबिक एक ही रोड़ा है और वो है दिग्विजय सिंह। अगर इस चुनाव में दिग्विजय सिंह मैदान में आ गए तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उन्हें मैदान से दूर रखने की रणनीति पर भी कमलनाथ की टीम काम कर रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह अपने आप को रोक नहीं पाते और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं और कई बार कांग्रेस को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। कमलनाथ के करीबियों का कहना है कि दिग्विजय सिंह के अति विश्वास के कारण ही कमलनाथ की सरकार चली गई। अब कमलनाथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पुराने कांग्रेसी फिर बीजेपी में आए और अब वापस कांग्रेस में पहुंचे। राकेश चौधरी का नाम आते ही कांग्रेस में विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता अजय सिंह को पार्टी छोड़ने तक की बात कहना पड़ी। ऐसा नहीं है कि घमासान सिर्फ कांग्रेस में है, ये घमासान बीजेपी में भी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आबरू भी दांव पर लगी हुई है। अगर सीटें कम हुई तो शिवराज सरकार भी संकट में आ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कमलनाथ सरकार आई थी। बीजेपी में भी अंतर्विरोध कम नहीं है। बीजेपी कुल मिला के तमाम सारे अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब तक हम जिनके खिलाफ लड़े, अब क्या उनके लिए वोट मांगे। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। इस सब के बावजूद उपचुनाव में हालांकि पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। कमलनाथ सरकार की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था और एक साल में ही लोगों के मन में कमलनाथ सरकार को लेकर आक्रोश पैदा हो गया था। कमलनाथ की सरकार जब अल्पमत में आकर गिरी तब भी किसी ने कांग्रेस और कमलनाथ के प्रति सहानुभूति नहीं जताई। लेकिन ये वक्त शिवराज जी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अब तक इनका परफॉर्मेंस भी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। हालांकि इसकी एक वजह कोरोना भी है। शिवराज सिंह हो या कमलनाथ, सेफ गेम खेलें और आगे बढ़ें। आप भी दूरियां बनाकर सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों का पालन करें। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।